नमस्कार दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से कोई वीडियो अपडेट नहीं कर पाया क्योंकि मैं खुद रिसेंटली इंडिया आ चुका हूँ और मैं खुद एक न्यू कह सकते हैं कि नई जगह जाऊँगा, तो मैं आपको वहाँ का अपडेट दे सकता हूँ कैसे करके मैंने क्या क्या प्रोसेस करा और कैसे करके मैं नई जगह गया हूँ। नई जगह हो सकता है काफ़ी लोगों के काम ना आए, बट काफ़ी लोगों के काम आ सकता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, वहाँ पर अभी भी जो मेरी रिसेंटली बात हुई है, प्रॉब्लम्स अभी भी है। जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की कि भैया वर्ल्ड कप से थोड़ा पहले पहले क्राउड आएगा, खुलेगा, वो अभी तक नहीं हुआ वहाँ पर। तो ये आप लगा सकते हो। बाकी जो कहीं और कंट्री में ऑलरेडी है और वो मूव करना चाहते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वहाँ ना मूव करें, उसकी जगह वो यूरोप में मूव करने की ट्राई करें। कोई जेन्युइन कंसल्टेंट पकड़ें और वहाँ मूव करें, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ह्यूमन, वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ मनी, सब कुछ रहेगा। ये चीज़ बताने के लिए मैंने ये करा। और मैं अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो वो भी मैं क्लियर आउट करना चाहूँगा धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में। और अगर आप इंडिया से ही हैं और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ और कैसे और कैसे और कहाँ से जाया जाए। तो इंडिया वाले स्पेशली मेरे से कनेक्ट रह सकते हैं, तो उनके लिए मैं बताता रहूँगा कि कहाँ से कौन सी कंसल्टेंसी आपको ले जा सकती है, कितने कम चार्जेस में ले जा सकती है। और अगर आप सिर्फ डिलीवरी पर ही फोकस करना चाहते हैं, डिलीवरीज पर ही, तो मैं और कंट्रीज़ में आने वाले वक्त में ट्रैवल करूँगा और आप लोगों को वहाँ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दूँगा। बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मेरा खुद का प्रोसेस भी है उसमें, तो उसमें टाइम लगेगा। बट ये है कि वो उसमें कम से कम 3 महीने का टाइम लगेगा वो वैसी वीडियोस आने में। बट टू कीप यू मोटिवेटेड, आई विल बी ऑलवेज यू नो विद यू गाइस, यही मेरा कहना है। और बाकी इन्जॉय कीजिए जहाँ पर हो आप, सही हैं फॉर द मोमेंट, क्योंकि अभी आपको भगवान ने, जिसको भी आप मानते हो, खुदा, अल्लाह, ईश्वर, उन्होंने वो डेजिग्नेशन आपको वो प्लेस में रखा है। आप वहाँ पर रहिए, इंजॉय कीजिए, करेक्ट टाइम आएगा आपका मूव करने का, आप मूव कर जाएगा। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किनारा छोड़ने की आदत नहीं तो दरिया पार नहीं कर पाओगे। उसी तरह अगर आपको अपनी करंट जॉब छोड़ने में डर लग रहा है तो आप अगली जॉब में नहीं जा पाओगे। तो ऑलवेज हैव अ करेज, डेयर टू लीव योर जॉब, करेज एंड हैव अ कॉन्फिडेंस दैट यू कैन डू इट, यू कैन अचीव इट। आप एक बेटर जगह पर जा सकते हो, तभी आप अपनी नैया पार करोगे, नहीं तो आप लाइफ टाइम वहीं पर ही अटक कर रह जाओगे। तो यही मेरा सजेशन हैव अ करेज, हैव अ डेयर टू लीव योर करंट जॉब एंड जंप इन अनदर जॉब। शब्बा खैर।